भारत और चीन के बॉर्डर पर टेंशन बढ़ रहा है, सैनिक गतिविधियां जारी हैं, लेकिन इस बीच बातचीत से रास्ता तय करने की भी कवायद भी जारी है, जिसमें सैनिक गतिविधियों से लेकर बॉर्डर के हस्तक्षेप पर भी चर्चा होगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अगले महीने 3 दिन की राजकीय यात्रा पर चीन जाएंगे, जहां खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की जाएगी। भारत की ओर से वे चीन से मधुर संबंध बनाने का भी प्रयास करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की चीन यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरे सैन्य मसलों के साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा और दोनों ही देशों के सैन्य मुख्यालयों के बीच हॉटलाइन को लेकर भी दोनों देशों के प्रमुख नेता चर्चा कर सकते हैं। हॉटलाइन की स्थापना से दोनों ही देशों के नेताओं को चर्चा करने में सुविधा होगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की चीन यात्रा अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कॉर्टर से उनकी बात के बाद की जा रही है। अमेरिका द्वारा भारत को हिंद महासागर में अधिक बड़ी भूमिका निभाने हेतु कहा गया है। भारत को लेकर अमेरिका ने कहा है कि भारत अमेरिका के साथ हिंद महासागर में संयुक्त गश्त करे, मगर इस तरह की पहल से चीन के नाराज होने की भी संभावना है। फिलहाल भारत ने अमेरिका के साथ हिंद महासागर की संयुक्त गश्त की संभावना से इनकार किया है। रक्षा सूत्रों की माने तो पर्रिकर संभवतः 18 अप्रैल को चीन रवाना होंगे। सूत्रों ने बताया कि अभी तारीख तय की जा रही है।